नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। दोस्तों, पहली शाखा है एप्रीकल्चर, जिसमें मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगली शाखा है एंथ्रोलॉजी, इसमें दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है एंट्रोमोलॉजी, इसमें दोस्तों कीटों का अध्ययन किया जाता है। और फिर अगला है ऑर्निथोलॉजी, इसमें दोस्तों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है सोरोलॉजी, इनमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है सिल्वीकल्चर, इसमें काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी, इसमें दोस्तों वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और अगला है इक्थियोलॉजी, इसमें दोस्तों मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद फिर अगला है फाइकोलॉजी, इसमें सैलाबों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों फिर इसके बाद अगला है पीसी कल्चर्स, इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला है माइक्रोलॉजी, इसमें दोस्तों कवकों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद अगला है पोमोलॉजी, इसमें दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। और फिर इसके बाद है ऑफिलॉजी, इसमें दोस्तों सर्पों का अध्ययन किया जाता है। और फिर लास्ट है दोस्तों सेरीकल्चर, जिसमें रेशमों के कीटों का अध्ययन किया जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों यह वीडियो इतना ही बस। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।